हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज का जो वीडियो है वो आईसीटी पर बेस्ड है कि आईसीटी का यूज़ टीचर अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज में, टीचिंग प्रोसेस में कहाँ यूज़ कर सकते हैं और इन पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन तो वो एक ही पूछते हैं कि आईसीटी का यूज़ आप अपने क्लासरूम में कैसे करते हैं या टीचर के लिए आईसीटी का यूज़ किस तरीके से किया जा सकता है, आप अपनी टीचिंग को कैसे उससे और एनहेंस कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो जब तक आपको ये नहीं पता हुआ कि आईसीटी होती क्या है, तब तक आप उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपके लिए यही बनाया है कि आईसीटी क्या होती है और ये इंटरव्यू वालों के लिए भी बेनिफिशियल है और जो जनरली जो क्लासरूम टीचिंग करते हैं, जो ऑलरेडी क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं स्कूल में टीचर्स, उन सब के ये वाला वीडियो बहुत काम आएगा। जितना हम लोग करते हैं, जितना हम लोगों ने आज तक की वर्कशॉप्स में, इन सर्विसेज कोर्सेज में हम लोगों ने सीखा है, वो सब कोशिश की गई है कि मैं आपको इसमें सम अप कर सकूं। है तो बहुत बड़ा टॉपिक, क्योंकि इसके लिए कम से कम हम लोगों को 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, तो लेकिन मैं आपको इतने में ही सम अप कर रही हूं, ठीक है। आईसीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। जनरली लोग कम्युनिकेशन की जगह कंप्यूटर वर्ड यूज़ कर लेते हैं, बट करेक्ट दिस पॉइंट कि हमें इसमें कम्युनिकेशन करना है। ये दो टाइप से, टू टाइप्स बेस हम इसको करते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है काल, एक होता है टाल। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कैन यू एक्सप्लेन टाल और काल। तो काल होता है कंप्यूटर एडेड लर्निंग, ठीक है, जहां हम कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाने के लिए, तो दैट इज़ कंप्यूटर एडेड लर्निंग हो गई। सेकेंडली टेक्नोलॉजी एडेड लर्निंग, जिसमें बहुत सारी अदर चीज़ें हो सकती हैं, लाइक आपका मोबाइल हो सकता है, आपका LCD प्रोजेक्टर हो सकता है, आपका OHP हो सकता है और आपके माइक्स हो सकते हैं और अदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आप जाएंगे तो आपको साइट्स पर बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो काल और टाल का यूज़ और क्या होती है ये आपको समझ में आ गई होगी, इसका यूज़ जो है मैं आगे बता दूंगी आपको। मैंने आपको लेवल वाइज समझाने की कोशिश की कि अगर प्राइमरी के टीचर से पूछा जाए तो उसके आंसर्स किस बेस पर होने चाहिए कि हम कहाँ आईसीटी का यूज़ करते हैं, और अगर आप हायर क्लास के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। Class 1 और 2 के टीचर्स हम आईसीटी को यूज़ करते हैं फोनिक्स पढ़ाने के लिए, वो दोनों लैंग्वेजेस में होता है, हिंदी में भी होता है और वो इंग्लिश में भी करते हैं। देन रैम्स सिखाने के लिए, सुनाने के लिए, एक्शंस दिखाने के लिए भी हम रैम्स का यूज़ करते हैं, आईसीटी का यूज़ कर सकते हैं और टाल का भी यूज़ करते हैं। स्टोरी सुनाने के लिए या बच्चों से बुलवा करके रिकॉर्ड करने के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। पिक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब हम Class 1 में विद्या प्रवेश कराते हैं तो हमें कलर आइडेंटिफिकेशन, ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफिकेशन, पिक्चर नेमिंग, ये सब चीज़ों के लिए बच्चों को ज़रूरत पड़ती है। हम सारी पिक्चर्स हाथ से ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, तो देन वी यूज़ दीज 2 थिंग्स और वी यूज़ द फुल ICT इन इट। एंड ऑनलाइन गेम्स बच्चों को करा सकते हैं, हम वर्कशीट्स प्रिंट आउट करा के बच्चों को दे सकते हैं, एंड जो कलर करने के लिए वर्कशीट दी जा सकती हैं, करने के लिए भी दी जा सकती हैं, मतलब लिखने के लिए भी, और यही हमारे एक असेसमेंट टूल हो जाता है और ये हमारा एक इनफॉर्मल असेसमेंट टूल है, क्योंकि हमने बच्चे को सिर्फ एक वर्कशीट प्रोवाइड कराई, बच्चे ने कलर किया, लिखा या उसके बारे में कुछ बताया आपको, तो आप उससे कुछ ये नहीं कह रहे कि आपका एग्ज़ाम है, आपका टेस्ट है, बट यू कैन जज, यू कैन असेस द चाइल्ड ईजीली, है ना, उनको बिना बताए, बिना परेशान किए, बिना एक हवा दिखाए कि एक टेस्ट हो रहा है। सेकेंड लेवल पर हमारा आता है Class 3 और 4, जिसमें हम सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ लेते हैं। इसकी एक लिस्ट है बहुत लंबी कि हम हर सब्जेक्ट में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो सब्जेक्ट को एनरिच करने के लिए करते हैं, ठीक है, अदर देन रीडिंग, राइटिंग एंड कॉम्पिटेंसीज, उनके अलावा, सारी कॉम्पिटेंसीज होती है सब्जेक्ट की, उनके अलावा ये एक्टिविटीज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है जैसे कि क्विजेज़ कराना, बहुत ईजी होता है, आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो, इवन इन मैथ्स लैंग्वेजेस और इन साइंस, आप उस सब्जेक्ट के जो MCQs होते हैं उसी को क्विज फॉर्म में पेपर पे लिख लीजिए, कार्ड्स बना लीजिए, इट इज़ योर इनोवेटिव वे कि हाउ यू विल टेक अप द क्विज इन योर क्लास, क्विज करा सकते हैं। ऑनलाइन हम गेम्स बच्चों को दे सकते हैं, स्टडी से, अपने टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे गेम्स मिलते हैं। ड्रामेटाइजेशन करा सकते हैं, अगर आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, कोई स्टोरी पढ़ा रहे हैं, कोई फेस्टिवल आ रहा है आपका, उसका सेलिब्रेशन आपको बच्चों को बताना है, तो यू कैन ड्रामेटाइज दैट इवेंट इन द क्लासरूम एंड यू कैन रिकॉर्ड इट, यू कैन यूज़ दैट ड्रामेटाइजेशन इन योर PPTs और यू कैन सेंड इट टू द अदर टीचर्स ऑल्सो। आप प्रोजेक्ट्स और मॉडल्स बनवाते हैं बच्चों से, हम लोगों को बहुत बार कहा था ये बनाना है, हो
होते हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें, प्रोजेक्ट्स एंड मॉडल्स मेकिंग भी है। तो जनरली बच्चों को हमने कहा मॉडल बना के लो, आधे बच्चे बेचारे नहीं जान पाते कि मॉडल क्या होता है। तो यू कैन सेंड देम स्मॉल वीडियोज़, यू कैन सेंड देम लिंक्स इन द गूगल सॉरी इन देयर व्हाट्सएप ग्रुप्स, सो दैट दे कैन यूज़ दिस टेक्नोलॉजी फॉर देयर सब्जेक्ट एनरिचमेंट। यू कैन मेक वर्कशीट्स, आप वर्कशीट्स बनाते हैं, हर लेसन की एक वर्कशीट हम बनाते हैं जो हम लैट के लिए होता है कि लर्नर्स अचीवमेंट टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, और वर्कशीट्स बना करके भी हम बच्चों को इसी टेक्नोलॉजी से करेंगे। PPTs बनाते हैं जनरली, ये बहुत कॉमन है। PPT जो होता है, एक टीचर का सबसे पहला पॉइंट होता है सर PPT बनाएंगे, तो PPT के अलावा भी आप इतनी सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। PPT क्या है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। उसमें क्या होता है कि आप जितना भी कंटेंट है आपके लेसन से उसको या तो टाइप कर लेते हैं या कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, उसकी पिक्चर्स को लेते हैं उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, आप उसका एनिमेशन करते हैं और उसको आप बच्चे को जाके डिस्क्राइब कर सकते हैं, रीड कर लेते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। वीडियोज़ आप बच्चों को भेज सकते हैं, ठीक। ऑनलाइन ओलंपियाड्स का इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली बच्चों को नहीं पता होता है कि ओलंपियाड्स क्या होते हैं, कहाँ से किए जाएंगे, कैसे किए जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप अगर उनको वेबसाइट्स प्रोवाइड करा दें, लिंक्स प्रोवाइड करा दें, तो उनके पेरेंट्स को बच्चों को बहुत ईजी हो जाता है। और आप जहाँ 10 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, वह आने वाले टाइम में आपकी जो रेशियो है बच्चों की क्लास में पार्टिसिपेशन की, वो हमेशा इंक्रीज़ होती है। इवन आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है उससे। देन फॉर हायर क्लासेस की थर्ड है कि हम 6 ऑनवर्ड अपने ICT को कैसे यूज़ करते हैं। तो हर क्लासेस में टीचर्स सबसे पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही बनाते हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले हमें कंटेंट डिलीवर करना है, कंटेंट के एक्टिविटीज़ करानी होती हैं, तो वहाँ हम PPT का यूज़ करते हैं। वहाँ प्रोजेक्ट्स भी अदर और हायर डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती जाती है, तो उनके प्रोजेक्ट्स में उनकी हेल्प कर सकते हैं। देन पीयर टीचिंग में हेल्प करते हैं। पीयर टीचिंग आप लोगों के लिए थोड़ा नया वर्ड होगा कि होता क्या है कि हम क्लासरूम में क्लास के बच्चों में से किसी को भी जो वॉलंटरली कहते हैं कि मैम हम पढ़ा देंगे, तो उनको हम एक छोटा टॉपिक देते हैं कि बच्चों इस टॉपिक को कल आप प्रिपेयर करके आएंगे, तो वो बच्चा प्रिपेयर करके आता है, फिर वही क्लास टेकअप करता है, और एज ए टीचर हम पीछे बैठ के उसको ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे ने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए कि नहीं। उसके पढ़ाने के बाद अगर कोई पॉइंट छूट जाता है, किसी को और डिफ़िकल्टी आती है, तो हम उसको जा करके क्लेरिफाई कर देते हैं। इन दिस वे क्या होता है कि एक ग्रुप एक्टिविटी हो जाती है क्लास में, और जो बच्चे पीयर टीचिंग कराते हैं उनमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, अदर स्टूडेंट्स आल्सो मोटिवेटेड कि अरे हम भी कल जाके पीयर टीचिंग कराएंगे, ठीक है। इट्स अ वेरी बेस्ट पार्ट ऑफ इनोवेशन अगर आप अपनी क्लास में लेंगे तो बहुत अच्छा है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स बनाना टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप क्लास लेवल पर बनाते हैं, सब्जेक्ट का बनाते हैं, लेसन वाइज बनाते हैं, बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं। एक बार आपने सैम्पल पेपर बना लिए अदर ईयर्स में, फिर आप उसको रीयूज़ कर लीजिए, उसमें थोड़ा और मॉडिफाई कर दीजिए, थोड़ा उसमें से ऐड कर लीजिए, थोड़ा और उसमें क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं। देन ऑनलाइन सब्जेक्ट मैटर शेयरिंग, आपको आपने जो पढ़ाया आपके पास और मैटर आपको किसी साइट से मिल रहा है, आप उसको भी अपने क्लासरूम के स्टूडेंट्स के साथ में जाके शेयर कर सकते हैं कि हम इसको यूज़ कर लेंगे तो हमारा कंटेंट और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम एज ए टीचर यूज़ करते हैं अपने क्लासरूम टीचिंग में। अदर देन दिस, हम अपने एज ए टीचर हम एक्सेल शीट यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, और एक्सेल शीट पर हम अपने रिपोर्ट कार्ड्स बनाते हैं, अपना फीस का सबमिशन और जो ऑनलाइन पोर्टल है हमारा फीस का UA पोर्टल, उसमें यूज़ करते हैं, द वर्ड डॉक्यूमेंट्स में बनाते हैं, वर्ड पर डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं अपने, एंड हमारा जो रिपोर्ट कार्ड बनता है वो रिजल्ट सॉफ्टवेयर है, तो वो भी हमारा क्या है वो ICT बेस्ड है, तो वो भी हम जाकर के कंप्यूटर में ही बनाते हैं। और इसके साथ साथ हम आर्ट और पेंट का यूज़ करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, तो वी यूज़ द, मुझे लगता है ऑल एसेसरीज़ गिवन इन अ कंप्यूटर मोस्टली हम सभी यूज़ कर लेते हैं। हर क्लासेस में आप जाएंगे तो मैथ्स के फॉर्मूलाज के लिए भी टीचर्स उसको यूज़ करते हैं अपने पावर पॉइंट में, और बहुत सारी ऐप्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है, तो इट इज़ एंडलेस। आज की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, उनमें ICT का तो मेन रोल है। उसके अलावा अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो यू विल बी द बैकवर्ड काइंड ऑफ टीचर। बच्चे भी इसे कहते हैं टीचर को कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता, आपको बेवकूफ़ बनाने लगते हैं, तो लर्न इट, ओके। आज आप लोग तो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप लोगों के पास सबके पास ये नॉलेज है। देन ओवरऑल जो हमारे प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं उसमें ये है कि पॉजिटिव उसका पार्ट है कि वो टाइम सेविंग होता है, पेपर सेव करता है, इजी टू शेयर होता है, एंड इजी टू कीप इट इन योर
और हम अपने उसमें ड्राइव पे यूज़ कर सकते हैं, अपने डेटा को रख सकते हैं, तो इट इज़ वेरी इजी। और इसका जो नेगेटिव है पॉइंट वो ये है कि इट लिमिट्स योर क्रिएटिविटी। अगर आप नहीं चाहें तो आप किसी का मैटर एज इट इज़ यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को इनोवेटिव टीचर बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप जो भी मैटर लें उसमें अपना इनोवेशन ज़रूर ऐड कीजिए एंड यूज़ इट सो दैट इट विल मेक यू मोर कॉन्फिडेंट इन योर टीचिंग प्रोसेस। तो इतना सारा मैटर मैंने आपको बताया है, जब आपसे वो एक ही क्वेश्चन पूछेंगे कि हाउ यू कैन यूज़ ICT इन योर क्लासरूम, तब अपने लेवल का मैटर देख लीजिए, चूज़ कर लीजिए और उसको थोड़ा सा और एलिब्रेट वे में जाकर के आप उसको बता सकते हैं। और इसका एक मेन पॉइंट है कि आपको इनोवेटिव टीचर बनाने में ICT का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत ही बड़ा रोल है। इट दिस यू विल फील व्हेन यू विल कम टू द केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड यू विल वर्क इन द केंद्रीय विद्यालय कल्चर कि इसका हम कितना यूज़ करते हैं, इसके बिना हमारा जो काम है ना वो अधूरा है एकदम। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर द एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।